हेलो फ्रेंड्स, इस हफ्ते यानी कि 10 जुलाई से 14 जुलाई के हर एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे अतरंगी हवाई यात्रा कॉन्टेस्ट के कछु सवाल, जिसमें आपको मौका मिल सकता है एक शानदार हॉलिडे पर जाने का। तो सारे एपिसोड ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। सही पकड़े हैं विभो, कब तक बर्तन धोते रहोगे? पोछा कब लगाओगे? आओ ना। फिनाइल डाल दिया ना? सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन में है तू ही तू। ऐ मेरी पहली तमन्ना, ऐ मेरी आखिरी आरज़ू, I love you, I love you। धड़कन में है तू ही तू। चाचा जी, आप कब टपके? बेटा मैं नहीं टपक रहा हूँ, तू ज्यादा लपक रहा है। नमस्ते चाचा जी। हाँ गुजरो। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को दरवाजा बंद करके रोमांस करना नहीं आता? नहीं, वो एक्चुअली क्या था, मैं पोछा लगा रहा था तो फिनाइल की स्मेल से ये रोमांटिक हो गई। अरे तुम खुद एंजॉय कर रहे हो या मोहल्ले वालों को एंजॉय करवा रहे हो? अच्छा जी छोड़िए ना। अच्छा सुनो, रोमांस हम भी जानते हैं करना, तुम लोग रोमांस करना नहीं जानते। अरे हमारा रोमांस पता है कैसे होता है? मजाले कमरे के बाहर जो है गानों की आवाज चली जाए या चुंकी भी आवाज आ जाए, सिर्फ सांसों को। चाची जी कैसी हैं बताइए ना। हाँ ऐश कर रही हैं वो। वसीयत लाए? नहीं। तो क्यों आए? अच्छा सुन, काम की बात सुन भाई। ये सुन के पता नहीं तुम लोगों को खुशी होगी या अफसोस होगा, बात ये है कि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? किसे फंसा लिया आपने? किसे फंसा लिया मतलब किससे कर रहे हैं शादी? है एक अंग्रेजन, लूजी नाम है। What a combination, लूजी वेट्स लूजर। क्या कहा? कुछ नहीं। Congratulations चाचा जी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे वो पुरानी चाचा जी का क्या हुआ फिर? वो मुझे तलाक दे रही है। अच्छा सुनो भाई, ऐसा है अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में मेरी शादी है और तुम दोनों को आना है। मैं तुम दोनों के टिकट निकलवा दूंगा। बट चाचा जी हम दोनों का ही क्यों? तो क्या पूरे कानपुर को लंदन बुलवा लूं? नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो पड़ोस है ना अंगूरी भाभी, उन्होंने कभी लंदन देखा नहीं है तो शी विल बी वेरी हैप्पी टू गो टू लंदन आई गेस। अरे तो कच्चा बनियान ने क्या बिगाड़ा है, उसको भी इनवाइट कर देते हैं।
अरे चाचा जी, मैं तो कहती हूँ आप पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट कर लीजिए। आपको पता है सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अनु ठीक कह रही है, आइडिया बुरा नहीं है। भाई देखिए, कौन है सरा आगे तो कोई भी नहीं, सब कंगले हैं यहाँ पे। लेकिन क्या है कि कम से कम झूठे मूठे आप इनवाइट कर देंगे तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, झूठे मुंह सबको इनवाइट करके आते हैं, चला जा। चलिए। अरे विभो, पोछा तो लगा दो, कंप्लीट तो कर दो। चाचा जी बैठे हुए, चेंज करके करोगे क्या? अरे लगा दे, मैं भी लगाता हूँ वहाँ। अरे तू भी पहनता है, मैं भी पहनता हूँ। यहाँ किसी हो जरा यहाँ। सेठ जी, आ सेठ जी। अबे ओ, सामने बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चिल्ला रहा है। आप क्यों बुला लिया मुझे इतनी जल्दी? हटिया, अटिले भैया। नमस्ते मामा जी। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए, पराठे बना रहे हैं, गर्मा गर्म खा के जाइएगा। हाँ मामी जी, पराठे खाएंगे भी और बांध के लेके भी जाएंगे। अबे वो बहुत हो गए पराठे पराठे, समझा? वो अरविंद अग्रवाल की शॉप पे जा, वो तुझे एक पैकेट देगा, वो पैकेट लाके हमें दे और फिर जा शॉप पे, चल जा। हाँ ले आएंगे पैकेट, लेकिन ये तो बताओ पैकेट में होगा क्या? अबे उसमें कुछ भी होगा, उससे तुझे क्या मतलब? क्या मतलब है सेठ जी? मान लो उस पैकेट में ड्रग्स हुआ और पुलिस ने पकड़ लिया, फिर तो मैं जाऊंगा ना 12 के भाव। तू काहे इतना छिल रहा है यार, हम कह रहे हैं ना उसमें कुछ नहीं होगा, चल जा। कुछ ना होगा मतलब घुइया के पत्ते होंगे क्या? अभी तेरा दिमाग फिर गया क्या? मुझे पूछ रहे हैं कि वो पॉकेट में का है तो बता, का है ना ही देते हैं कि का है? समझाएं ना भाभी जी इनको। हाँ। अबे उसमें कुछ वो कुछ पैसे वैसे होंगे, चल जा। कितने पैसे होंगे सेठ जी? 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे? बताइए ना कितने पैसे हैं उसमें? उसमें 1.5 लाख रुपए होंगे, समझ गया? चल अब जा। ओ, तो फिर ऐसा बोलो ना 1.5 लाख होंगे, ठीक है ले आएंगे पैकेट। लेकिन पराठे तो खा के जाइए। हाँ भाभी जी, पराठे खाएंगे और उस पे मक्खन भी लगा देना तो मजा आ जाएगा। ठीक है ठीक है। अबे कच्चा बनियान। अरे आइए चाचा जी, आइए आइए। हेलो तिवारी जी, हेलो अंगूरी जी, नमस्ते टिल्लू। हेलो अनीता जी, हेलो बरबूति जी, चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहे बेटा, खुश रहे खुश रहे। और भाभी जी आज तो पूरा लाव लश्कर लेकर चली है। हाँ, एक्चुअली चाचा जी आपको इनवाइट करने आए हैं। अच्छा, अरे जरूर बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन किस खुशी में? अच्छा याद आया, आपके तो बच्चा होने वाला है ना। मुबारक हो मुबारक। अरे तू इतना क्यों फैल रहा है, पहले पूरी बात तो सुन। भाई वो चाचा जी ना दूसरी शादी कर रहे हैं। तो वो पहली वाली चाची क्या भाग गई? अरे पहली वाली चाची कहीं घुइया के खेत में। तुझे क्या मतलब है, जितनी बात है उतनी सुन बस। दरअसल अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में चाचा जी की शादी है, आपको रंगूरी जी को जरूर आना है। जरूर आएंगे, और टिकट वेट का इंतजाम हो जाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे। रहने दे रहने दे, आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। आप बड़े घटिया आदमी है चाचा जी, ऑल द वे लंदन से आपको इनवाइट करने आए हैं और आप टिकट के पैसे मांग रहे हैं? छी, लानत है आप पे। तो शादी भी तो लंदन में होगी ना, तो 50-60 हजार तो टिकट में ही लग जाएंगे। तिवारी जी, रिश्तेदारी में पैसे नहीं देखे जाते। और आपके पास पैसों की क्या कमी है? चल बस, आप जा रही है ना भाभी जी? ऑफ कोर्स, चाचा जी की शादी है, हम तो ना लंदन थोड़े दिनों पहले ही पहुंच जाएंगे। अरे तो हम भी तो पहुंच जाएंगे, हम तो यार मजाक कर रहे थे, जरूर आएंगे। अरे ठीक है ठीक है। चाचा जी हमको माफ कर दीजिए, हम ना ही आ पाएंगे लंदन। अरे तू क्यों नहीं आ पाएगी बेटा? आओ का है ना कि हमको एरोप्लेन्स में बहुत डर लगता है। भाभी जी एरोप्लेन सही पकड़े हैं। हमको ना हवाई जहाज में बैठने से बहुत डर लगता है, बहुत डर। अंगूरी जी इसमें डरने की क्या बात है, हम सब भी तो होंगे आपके साथ। नहीं अनीता जी, हम ना ही बैठेंगे, वो हवा में उड़ता है ना ही। नहीं भाभी जी आप जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी, आप जरूर जाएंगी। अरे हम बोल रहे हैं हम ना ही जाएंगे। भाभी जी आप नहीं जाएंगी तो मजा नहीं आएगा। मतलब आप अकेले रहेंगी तो मजा नहीं आएगा यहाँ पे, आप प्लीज चलिए ना। व्हाट आर यू डूइंग? हमरा मजबूरी, हम ना ही आ सकते हैं। भाभी जी मजबूरी अभी गई, टेल देम।
आप जरूर आएंगे। वो क्या है, जब वो कह रही है कि वो नहीं आ पाएंगे, उनकी मजबूरी है, तो क्यों उन पर प्रेशर डाल रहे हो? अरे ये नहीं आ रही है तो क्या, हम तो आ रहे हैं ना भाभी जी। सेठी, भाभी जी ना आ रही तो इनके बदले में मैं चलूं लंदन। अपनी औकात देखी है तूने? अरविंद अग्रवाल की शॉप से वो पैकेट लेकर आज चला ला रही हूँ, टाइम पे पहुंच जाइए खोगे पे। पराठे तो खा लीजिए, बाद में ले जाऊंगा भाभी जी। चचा जी, ये अरेंज्ड मैरिज है या कांडी मतलब लव मैरिज है? अरे क्या होता हूँ, वो एक रात में नशे में था। और चाचा जी, डिटेल देने की जरूरत नहीं है ना। औरतें बैठे कमाल, आप तो कुछ तो लिहाज कीजिए भाई। चल ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया। It's a last मतलब मैं ये love marriage मान लीजिए, love come arrange marriage। तो यार चाय नहीं दी तुमने? और भैया बना दी एक बढ़िया सी, बना दी एक और। अरे राजा तुको छोड़ को बासी हटाओ ही। क्या भैया सक्सेना तुम जा रहे का भैया विभूति के चाचा की शादी में? नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ लंदन, लेकिन अगर टाइम मिला तो विभूति भैया के चाचा जी की शादी में भी शामिल हो जाऊंगा। बहुत ही टाइट शेड्यूल है, मेरा चांस कम है। तुम्हारा टाइट शेड्यूल में ऐसे तुम कौन सी वहाँ लंदन में भुनिया बोने जा रहे हो? भैया मैं वहाँ पे WMF में शामिल होने जा रहा हूँ। काका जी, तुमने WMF जो कहो तो? वर्ल्ड्स मैड फेस्टिवल। क्योंकि मैं वर्ल्ड्स मैड ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे हर साल जाना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ती है। बताओ छोटर, जो पगलन की इतनी ऐश हो रही है, और एक हमें छोटर इतने दरोगा बन के मर रही हैं, नेपाल तक ना गए आज तक यार। लंदन जा रहे हैं क्या आप? यार बड़ू मन है, जा तो रही हैं, लेकिन सारी लंदन की टिकट बड़ी महंगी है। क्या दरोगा जी, आप भी सुबह सुबह इतना मजाक करते हैं, इतनी ज्यादा निछावर हजम करके रखी है आपने, आप चाहें तो डेली लंदन जा सकते हैं। कर दी तुमने बस वही बात। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब खड़ी, क्या खूब खड़ी, हम दिल से गए हाय, हम दिल। दरवाजी नमस्कार। सुनो भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों भाई लौंडा, चाचा जी ने तुमको भी निमंत्रण भेजा है क्या अपनी शादी का? सक्सेना जी, निमंत्रण तो भेजो है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? दरोगा जी एक काम करो, हमारा टिकट ना तुम करवा दियो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम हमारी सारे मतलब शादी हो रही है, हमारा ब्याह है को लंदन में, जो हम तुम्हारा टिकट खरीदवा दें। अरे जामे क्या बात है रही है, लंदन जाओ, कोई गोरी में पकड़ लो आप, तो एक आध मिल जाएगी आपको, और चाचा जी के साथ में आपकी भी शादी कर देंगे। सारे जाता ना बोल, मुंह बंद कर। अगर हम लंदन में शादी कर लेंगे तो नौ ठगे बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी को तू खिला देगो, तू पाल देगो सारे। ये तो दुगाई तो पहले भारी पड़ रही है सोटर। सेना भैया। सक्सेना भैया। भैया आप भी कुछ हमारा जुगाड़ कर दो लंदन जाने को। हाँ यार जरूर, तुम लोग लंदन जाना चाह रहे हो और क्या है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई लाइक इट। हमरे पिया जाएंगे लंदन, वहां से करेंगे टेलीफोन, तुमरी याद सताती है, अंगूरी जिया में आग लगाती है। भाभी जी आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है कि आपके लड्डू के भैया लंदन जाके आपको फोन करेंगे। फोन करना तो बहुत दूर की बात है भाभी जी, वो आपको याद ही नहीं करेंगे और किसी अंग्रेजन के साथ सेट हो जाएंगे। कहा बोल रहे हाँ भाभी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लड्डू के भैया को अकेले जाने दे कैसे सकती है। लेकिन वो अकेले कहाँ जा रहे हैं, आप लोग सब हैं तो सही उनके साथ। जी मैं और अनु उनके साथ थोड़ी रहेंगे हमेशा, और दूसरी बात ये कि हम तो लंदन पहुंचते ही रोमांस करने लगेंगे भाभी जी। आप और अनीता जी वहां जाके रोमांस करेंगे का?
हाँ भाभी जी, लंदन की आब हवा में कुछ ऐसा है कि इंसान जैसे लंदन पहुंचता है उसके अंदर जो रोमांटिक कीड़े हैं ना वो फुलवाने लगते हैं। और आप तो जानती हैं कि मेरे अंदर रोमांस के कुछ एक्स्ट्रा ही कीड़े हैं। ऐसा होता है कहाँ, कहाँ बात कर रहे हैं आप? सोचिए कि ऐसे माहौल में लड्डू के भैया वहाँ जाएंगे वो तो तुलतुला जाएंगे ना, मतलब रोमांस के लिए उतावले हो जाएंगे ना। तो जाएंगे लेकिन वो हमरे अलावा किसी और के साथ रोमांस नहीं कर सकते हैं। भाभी जी आप समझ नहीं रहे हैं, जिसे एक बार लंदन की हवा लग जाती है ना वो चाहे कितना भी शरीफ हो उसका धर्म भ्रष्ट हो ही जाता है। और ऊपर से वहाँ की वो गोरी गोरी मेमे। अभी जी अभी बताइए, किसी रेगिस्तान के भूखे बैल को अगर हरी वादियां दिखा दी जाए वो तो टूट पड़ेगा हरियाली पे। तो फिर नहीं नहीं हम उनको लंदन ही नहीं जाने देंगे। भाभी जी मैं उन्हें लंदन जाने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो क्या सबके बारे में सोचता हूँ भाभी जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उनके साथ हो लीजिए लंदन। कहाँ वहाँ? नहीं लेकिन हमको ना वो हवाई जहाज में बहुत बहुत डर लगता है। क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप, डरने की क्या बात है? अरे बड़ा मजा आता है जहाज में। अगर सपोज आपको डर लगे ना तो आप एक काम कीजिएगा, आप ना मुझे अपनी बाहों में भर लीजिएगा। क्या बोले? मतलब मेरी बाह पकड़ लीजिएगा आप। हाँ लेकिन फिर भी हमको बहुत डर लगेगा, हमको वहाँ हवा में चक्कर आ गया तो। भाभी जी जहाज में सब लोग होंगे और अनु भी तो होगी, और अनु ने जहाज में कितना ट्रेवल किया भाभी जी, वो डरती नहीं, बिल्कुल डरती नहीं। और अगर आप एक बार जहाज में ट्रेवल कर लेंगी ना भाभी जी तो आपका बड़ा मजा आएगा, आपका दिल करेगा कि आप बार 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 जहाज में ट्रेवल करें। ठीक बा, आप बोल रहे हैं और लड्डू के भैया के लिए हम माँ जल्दी बिक गया आज। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आपने ये करेक्ट डिसीजन लिया है, याद रखिएगा उनको अकेले छोड़िएगा मत। तो भाभी जी चलता हूँ, याद रखिएगा डर के आगे का है। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। चलता हूँ भाभी जी। यार टीका, लेकिन यार एक बात बताऊं यार, मेरा लंदन जाने को बहुत मन हो रहा है यार। जाने की इच्छा तो मेरी भी कर रही है यार, लेकिन इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहाँ से करें? जालिम तेरी जान कसम यार, एक बार मैं लंदन पहुँच गो ना तो वहाँ से आने का नाम ना लूँगो, और तू देख लीजो वहाँ पे तुझे ना गोरे गोरे बच्चे ना चाचा चाचा कहकर बुलाएंगे। मेरा भी इरादा कुछ ऐसा ही है यार। जालिम कसम से कह रही हूँ भैया, मेरा भी इरादा कुछ ऐसा ही था कि मैं भी लंदन में जाके सेट हो जाऊँगा, लेकिन कमबख्त मारा सत्यानाश हो बेड़ा कर को मेरे सेठ मनमोहन तिवारी का। यार मेरी तनख्वाह नहीं दे रही है भुतनी का। क्या कह रहे हो? वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि भैये मैं खुद पार्टी से 1.5 लाख का ये पेमेंट लेके आ रही हूँ। टिल्लू हाँ जा, मैं सच्ची में 1.5 लाख रुपए है क्या? तुम मजाक कर रही हूँ क्या? टिल्लू हाँ दोस्त, वैसे तू चाहे ना तो हम तीनों लंदन जा सकते हैं। मैं चाह तो हूँ लेकिन कैसे भैये? इतने को ला। आ, क्या लाऊं? अरे कान इतने को ला। भाभी जी घर पर है? अरे तिवारी जी आइए आइए। क्या बताएं भाभी जी, आज तो हम इतने खुश हैं कि क्या बताएं आपको। आप लंदन जा रहे हैं ना इसीलिए खुश हैं? भाभी जी हम इसलिए खुश हैं क्योंकि लंदन हम आपके साथ जा रहे हैं। मतलब आप होंगे, भभूति जी होंगे तो आनंद आएगा। अरे चाचा जी भी तो होंगे। अरे भाभी जी बुढ़ऊ से हमें नफरत है भाभी जी, वो हमेशा हमें जलील करते रहते हैं, क्या पता वहाँ लंदन में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में हमें जलील कर दिया तो। नहीं 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 तिवारी जी, उनकी शक्ल थोड़ी ऐसी है लेकिन दिल बड़ा साफ है उनका, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन भाभी जी हम तो लंदन में बस आप ही के साथ साथ रहेंगे। आप मेरे ही साथ साथ क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको लंदन की गलियों का पता है ना भाभी जी, तो हमें डर नहीं रहेगा कि हम कहीं खो ना जाएं। तिवारी जी आप भी ना, अरे आप कोई बच्चे थोड़ी ना जो आप घूम जाएंगे। आपको पता है लंदन की पुलिस कितनी एक्टिव है, अगर आप खो भी गए तो तुरंत आपको ढूंढकर हमारे पास ले आएंगे।
हम अकेले नहीं भाभी जी, हम तो लंदन की वादियों में आपके साथ खो जाना चाहते हैं। तिवारी जी, जी फिर से आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी, हम ये 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 कहना चाह रहे थे कि छोड़िए ना, आप क्या कहना चाह रहे थे सुनिए ना, आप अंगूरी जी को समझाइए ना, वो क्यों डर रहे हैं, हम हैं ना उनके साथ। देखिए हम सब साथ साथ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। लेकिन हमारा मजा किरकिरा हो जाएगा जी। ये हमने कहा भाभी जी, हमने अंगूरी को मनाने की कोशिश की, हमने कहा कि हम है, भभूति जी है, भाभी जी है, लेकिन वो मानी नहीं, वो जिद पर अड़ गई कि हम नहीं जाएंगे। अरे तो मैं मनाऊं क्या अंगूरी जी को? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाभी जी, आपका समझाना बेकार जाएगा, छोड़िए। अच्छा आराम से टिल्लू, आराम से। इधर इधर इधर। सेठ जी तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। अबे लुटा पिटा तो तू लग रहा है, सेठ जी कहां से लुट गए, बर्बाद हो गए? अरे टिल्लू क्या हुआ तुम्हें, किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? क्या बताऊं भाभी जी, मैं सेठ जी की पार्टी से 1.5 लाख रुपए कैश ला रहा था तो क्या सेठ जी, 2-3 बदमाशों ने पहले मुझे घेर लिया, फिर जम के कुटाई की, फिर वो आपके पैसे भी छीन के भाग गए। साले क्या किया तुमने? ये टिल्लू सही कह रहे हो, 2-4 बदमाश है ना जाको पीट रहे हो, तो मैंने जाके बचा लो, अब मैंने जाको तो बचा लो लेकिन आपके पैसे ना बचा पाए। अबे तो इस गधे को काय बचा लियो, पैसे का ही नहीं बचाए मैं। क्या बात कर रहे हो भैया आप, पैसों के आगे टिल्लू की जिंदगी कोई कीमत नहीं है। ना ठीक है ना, इस सेठ के लिए तो पैसे ही सब कुछ है, मेरी जिंदगी की कोई कीमत ना है, बस तू मुझे डॉक्टर के पास ले चल और मेरा इलाज करा दे। करवाऊंगा मगर मेरे पास पैसे नहीं है। एक मिनट, कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, यहीं खड़े रहो। तिवारी जी अपना पर्स निकालिए, निकालिए पर्स और दीजिए उनको 500 रुपए। 500 रुपए? ये आप क्या बात कर रही भाभी? अरे आप कितने लालची बन रहे हैं, ऐसा भी तो पैसे का मोह, आप देख नहीं रहे वो कितना दर्द में है, कहां से लाएगा डॉक्टर के फीस के पैसे, दीजिए 500 रुपए उसको। रहने दीजिए भाभी जी, आप रहने दीजिए, ये पत्थर दिल इंसान मुझ जैसे गरीब का दर्द क्या समझेगा। ऐसे कैसे रहने दो, तिवारी जी 500 रुपए दीजिए। भाभी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, जा रही हूँ। अले गोली। यस बॉस। फोन लगा? नो बॉस, फोन लग तो जाता है लेकिन बार बार वो लोग फोन काट देते हैं। बॉस अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस सरकार से अपनी मांग कैसे मनवाएंगे? कहते हैं अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उसे तेरा कर देना चाहिए। तो आप क्या करेंगे बॉस? तुझे इतना भी नहीं मालूम, तुझे टेररिस्ट किसने बनाया रे? आपने। अपनी मांग मनवाने के लिए हम प्लेन हाईजैक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल है मॉडर्न कॉलोनी वाले शादी के लिए कहां जा रहे हैं, और आपके ऑप्शंस हैं ये। सही जवाब देने के लिए अपने फोन से टाइप कीजिए BGPH स्पेस ऑप्शन A, B, C या D स्पेस अपना नाम और शहर, और भेज दीजिए 57575 पर। सही पकड़े हैं।